हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं वेक्टर चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। 12th स्टैंडर्ड का जो न्यू सिलेबस है 2020 का, 5th चैप्टर वेक्टर मैथ्स 1 के अंदर आज हम लोग उसका 5.2 देखेंगे। 5.2 देखने के पहले हमको 5.2 में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है उसके बेसिक्स देखने चाहिए। 5.2 जो ये एक्सरसाइज है इसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है। ये जो 12 क्वेश्चन है ये वैक्टर के अंदर जो सेक्शन फार्मूला यूज होता है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज होता है, सेंट्रोइड फार्मूला यूज होता है, इन फार्मूलेज के बेसिस पर सारे क्वेश्चन आएंगे। ये जो फार्मूले हैं आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में सीखे हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, जिसमें कोई भी दो अगर लाइन सेगमेंट है उसके अंदर दो पॉइंट है, उसको कोई पॉइंट अगर बीच में डिवाइड कर रहा है अंदर से इंटरनली या एक्सटर्नली, तो आपने ये सब किया हुआ है 9th-10th में। अब वही चीज़ें जो है हम लोग वैक्टर के फॉर्म में करेंगे कि अगर कोई वैक्टर है उसके अंदर किसी दो पॉइंट को कोई एक पॉइंट इंटरनल डिवाइड करता है या एक्सटर्नल डिवाइड करता है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बताता हूं, फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है एकदम ध्यान से देखो। सेक्शन फार्मूला इसके अंदर दो फार्मूले आते हैं, एक तो इंटरनल डिवीजन फार्मूला, दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन एक साथ बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वैसे तो आपने इंटरनल वाला पहले किया हुआ है, ठीक है, इंटरनल वाला 10th में था। अब कैसे होता है, क्या होता है, देखो सपोज कोई एक वेक्टर है, इस तरह से कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है, समझो ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। ओके, सो ये जो पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, सपोज कोई एक दूसरा पॉइंट है आर जो इस वेक्टर को बीच में यहां यहां कहीं पर भी डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो एम इज टू एन, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे आर का। देखो अभी पी का पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल पी बार, स्मॉल क्यू बार, स्मॉल आर बार, इसका पोजीशन वेक्टर कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है एम इज टू एन। तो ये जो इंटरनल डिवीजन होगा तो ये जो पॉइंट है डिवाइड कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा आर बार इज इक्वल टू एम इंटू क्यू बार, एम इंटू क्यू बार प्लस इंटरनल होगा तो प्लस लेना है, फॉर इंटरनल प्लस, एक्सटर्नल में माइनस लेना है, याद रखो। क्या आ जाएगा देखो, ये एम इंटू क्यू बार प्लस एन इंटू पी बार अपॉन क्या करना है एम और एन को प्लस करना है। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपको ये जो आर बार है उसका पोजीशन वेक्टर आएगा। अगर सेम होता है ऐसे कोई एक वेक्टर है इसके अंदर P और Q कोई पॉइंट है और एक पॉइंट है R जो इसको बाहर से डिवाइड कर रहा है, ये जो PQ है PQ सेगमेंट इसको बाहर से R पॉइंट डिवाइड कर रहा है, सो सेम ये P बार Q बार R बार एंड सपोज इसका रेशियो क्या है, ये देखो ऐसे P टू R M और Q R N इस तरह से, सो कैसे आ जाएगा ये R बार का पोजीशन वेक्टर ना, R बार पॉइंट है हमारा, आर बार जो है एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन मतलब आर बार इज डिवाइडिंग सेगमेंट पी क्यू एक्सटर्नली, तो कैसे आ जाएगा आर बार इज इक्वल टू वैसे ही देखो एम इन टू क्यू बार, अब ये एक्सटर्नल इसलिए माइनस, फिर एन इन टू पी बार अपॉन एम एन, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस था तो प्लस, ये फॉर्मूला आ गया एक्सटर्नल डिवीजन। इस तरह से ये सेक्शन फार्मूला होता है 5.2 के अंदर। स्टार्टिंग के क्वेश्चन हम सेक्शन फार्मूला के बेसिस पर करेंगे। आपको अगर इंटरनल दिया होगा तो फॉर्मूले में ऊपर नीचे प्लस यूज़ करना, एक्सटर्नल डिवीजन दिया है तो ऊपर नीचे माइनस यूज़ करना, ठीक है। एम और एन क्या है, ये जो पॉइंट है उस सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है वो है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सब वैक्टर के टर्म में करने वाले हैं, इसका इसको कॉपी कर लो जो मैंने यहाँ पर लिख के दिया। मिड पॉइंट फार्मूला आपको बताता हूँ। अब आगे मिड पॉइंट फार्मूला, अभी मैंने आपको इंटरनल सेक्शन फार्मूला बताया और एक्सटर्नल बताया, ठीक है। अब इंटरनल सेक्शन फार्मूला के बेसिस पे हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला देखते हैं। सपोज कोई पॉइंट है पी है, समझो जैसे पी क्यू ले रहे हैं, ए बी भी ले सकते हैं, ओके मैं पी क्यू ले रहा हूँ, इसको ज्वाइन करो स्पेस में एक वैक्टर के फॉर्म में, ओके तो ये पी और क्यू दो पॉइंट है, इसका पोजिशन वैक्टर क्या आएगा पी बार, इसका पोजिशन वैक्टर क्यू बार। सपोज इस पी क्यू का कोई एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब एकदम बीचों बीच में, एकदम बीच में मिडल में है मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों जो है सेम सेम हो जाएगा, ये जितना है ये भी उतना ही हो जाएगा, पूरे का हाफ होगा, अगर पूरा सिक्स है तो ये थ्री और ये भी थ्री हो जाएगा, इसका मतलब ये थ्री थ्री है तो थ्री इज टू थ्री, यानी थ्री इज टू थ्री मतलब थ्री अपॉन थ्री मतलब वन बाय वन, इसका रेशियो वन इज टू वन है, मतलब ये वन है तो ये भी वन, ओके दोनों सेम है,
तो ये जो m इज टू n होता है ना रेशियो, दैट इज 1:1, यहाँ जो था ना m इज टू n, ओके, इसका और इसका जो रेशियो होता है m इज टू n वो कितना है 1:1, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। क्या ये मिड पॉइंट फार्मूला, हम लोग क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट फार्मूला कर रहे हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना मिड पॉइंट फार्मूला। तो अब क्या होगा, देखो ये r का पोजिशन वेक्टर r बार, तो आप यही फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ये जो r था r बार इज इक्वल टू m इंटू क्यू बार प्लस n इंटू पी बार अपॉन m प्लस n, लेकिन m और n है कितना 1:1 है, तो m और n की जगह 1 रख दो, 1 इंटू क्यू बार 1 इंटू पी बार अपॉन m प्लस n 1+1 2 आ गया। यानी क्या करना है, मिड पॉइंट फार्मूला सीधे ये p और q जो होगा ना, p बार और q बार, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने का। तो मिड पॉइंट फार्मूला ये सब क्यों बताया, मैं बता रहा हूँ यहाँ से ये कैसे आया, क्योंकि m और n की वैल्यू 1:1 हो जाती है, m और n की वैल्यू 1:1, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, फार्मूला यही रहेगा इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो इसको लेकिन हम बोलेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। अगर कभी मिड पॉइंट पूछा है तो सीधे जो ये दोनों वेक्टर है उसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए इन दोनों वेक्टर को प्लस करो, p प्लस q या तो q प्लस p, या तो अगर a b है तो a प्लस b और 2 से डिवाइड करो, ओके। तो ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। आओ चलो आगे सेंट्रोइड फार्मूला आपको बताता हूँ, यहाँ कॉपी कर लो पहले इसको। सेंट्रोइड फार्मूला हम लोग यहाँ पर पहले आपने टेंथ में सीखा था ट्राइंगल के लिए, मैं यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन और ट्राइंगल इन दोनों के लिए बताने वाला हूँ। क्या होता है देखो, सपोज कोई एक ट्राइंगल है हमारे पास इस तरह से, दिस इज अ ट्राइंगल, ओके। इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं सबका मीडियन ड्रॉ करूँ, सपोज ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ओके। अब सबका मीडियन, मीडियन क्या होता है, सपोज ये साइड है इसका मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को सामने के वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना, ये जो सामने वर्टेक्स होता है इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट को मिला है, तो इसको बोलते हैं मीडियन। अब यहाँ से इसके मिड पॉइंट को मिला है ये, तो ये मिड पॉइंट है समझो, तो ये मीडियन, यहाँ से इसके मीडियन सामने इसके मिड पॉइंट को मिला है तो ये मीडियन, ओके। तो ये क्या होता है, ये तीनों होते हैं मीडियन, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, जी, जी मतलब सेंट्रोइड, ओके, सेंट्रोइड का पॉइंट होता है। तो ये तीन वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, तीनों को मिला के वर्टाइसेस बोलेंगे, और तीनों जो मीडियन है एक दूसरे को जहाँ कट करे उसको जी बोलते हैं। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में जो ये मीडियंस होते हैं वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, मतलब अगर ये 1 है तो इसका डबल 2 होगा, अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, 3 तो ये 6, ये 5 तो ये 10, समझ गए ना, इस तरह से। वैसे ये भी होता है, ये 2 और ये 1, ये 2 और ये 1, इस तरह का ये रेशियो होता है। सबका पोजीशन वेक्टर लेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर ए बार, बी बार और सी। पोजीशन वेक्टर कैसे लेते हैं, जो भी पॉइंट है ना उसका स्मॉल लेटर यूज़ करो, ऊपर बार दे दो, ये पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता है क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है, जैसे आपको बताया था ना मैंने, ये ओरिजिन है समझो ओ, अब ओ से कोई एक पॉइंट है ए, ओके, तो ये पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, इस पॉइंट ए से ओ जो है ये, इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं ओ ए बार, ओ ए बार, और इस ओ ए बार को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं ए का, कि ओ के रेस्पेक्ट से ए का पोजीशन वेक्टर, ये बेसिक कंसेप्ट होता है। वैसे ही बी बार और सी बार हो गया, ये स्मॉल जी को पोजीशन वेक्टर हम क्या ले लेंगे, स्मॉल जी बार, इस तरह से। तो अब सेंट्रोइड फार्मूला क्या होगा, एकदम ध्यान से देखो, सेंट्रोइड फार्मूला, ये जो जी है सेंट्रोइड उसके लिए जी बार इज इक्वल टू, ये जो ए बी सी है तीनों का पोजीशन वेक्टर, ए बार, बी बार, सी बार, तीनों को प्लस करो और डिवाइड बाई 3 कर दो, हो गया। बस सीखा था आपने टेंथ में, बट पॉइंट सीखा था ना, x1+x2+x3/3, ओके, y1+y2+y3/3, तो वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में था, ये वेक्टर के फॉर्म में। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, देखो सपोज यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, इस तरह से एक ट्राइंगल लेता हूँ, ये समझो कि जमीन पे सोया हुआ ट्राइंगल है, ओके, और यहाँ से एक वर्टेक्स है ऊपर, ओके, तो ये एक नीचे ट्राइंगल है इस तरह से, बेस है समझो, और यहाँ से इस तरह से एक वर्टेक्स को ज्वाइन किया है, तो इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन। सपोज यहाँ पर पॉइंट है ए बी सी, और ये जो पॉइंट है समझो डी है, ओके, समझ रहे हो, जैसे कि पहला जो ट्राइंगल है ना ये नीचे, ये ऐसे है, ओके। और अभी आपको मैं इमेजिन करवाता हूँ, समझो ये जो है बेसिक ट्राइंगल है यहाँ पर, ओके, और ऊपर एक पॉइंट है इस तरह से, ये जो तीन ऊपर से आई लाइन है 1, 2, 3, सपोज ये मार्कर के फॉर्म में,
1, 2, 3, ओके, ये तीन कलर की लाइन्स है, और नीचे समझो मेरा पाम है ना वो ट्राइंगल फॉर्म में, समझो इस तरह से ट्राइंगल है समझो, ओके, तो एक बेस ट्राइंगल है मेरा, जो ये हाथ ट्राइंगल है समझो, समझना है नहीं, और उसके ऊपर इस तरह से तीन अलग अलग लाइन्स है, तो ये क्या हो गया, इसको ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन। अब इस टेट्राहेड्रॉन के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट ए है दैट इज ए बार पोजिशन वैक्टर, बी बार और सी बार, और डी का पोजिशन वैक्टर डी बार, इसके अंदर भी मीडियंस होंगे। मीडियन कैसे होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ से इसका जो ये प्लेन है ना ये ट्राइंगल, उसका मिड पॉइंट, प्लेन का मिड पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ से इस प्लेन का मिड पॉइंट यहाँ पर, तो जितने भी मीडियन एक दूसरे को कट करेंगे, जैसे ये मीडियन कट कर रहे थे वो जी पर कट कर रहे थे, तो इसके अंदर भी जो मीडियंस होंगे फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू अपोजिट प्लेन, यहाँ से इसके बीच में प्लेन, समझो कि एक तंबू है, तंबू है ये, तो तंबू से नीचे जमीन पर जो ये बंबू रहेगा बीच में सेंटर में, तो वो मीडियन कहलाएगा, ओके, एकदम सेंटर में। सो जो तीनों मीडियन एक दूसरे को कट करेंगे दैट विल बी पॉइंट जी, ओके, उसका पोजिशन वेक्टर जी बार, और जी बार कैसे आएगा, आप कितने पॉइंट्स है, ए बी सी डी, तो सबको प्लस करना ए बार बी बार सी बार डी बार अपॉन 4, तो इस तरह से आपको मीडियन मिलेगा। बट टेट्राहेड्रॉन में क्या फ़र्क है, देखो ट्राइंगल के अंदर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3 होता है, टेट्राहेड्रॉन के अंदर 4 वर्टाइसेस होते हैं, तो चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड करना। तो ये सेंट्रोइड क्या होता है, हर एक वर्टाइसेस से सामने वाले प्लेन पे, जो ये ट्राइंगल है, तो यहाँ से इस ट्राइंगल पर जो हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ करके दिखाता हूँ मैं, ओके, यहाँ से ये समझो ये हो गया एक, ओके, अब ये जो ट्राइंगल है इसका पॉइंट ये मिड पॉइंट, अब यहाँ से उसको ज्वाइन किया ये, और ये जो ट्राइंगल है इसका मिड पॉइंट यहाँ है, मतलब इस प्लेन का देखना है, यहाँ से सी को ज्वाइन किया, तो तीनों एक ही पॉइंट पर कट होंगे, और ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी जी, समझ गए अभी। तो ये हो गया सेंट्रोइड फार्मूला और टेट्राहेड्रॉन के लिए और ट्राइंगल के लिए। इसके पहले मैंने आपको सेक्शन फार्मूला बताया, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, ओके, और अभी मिड पॉइंट भी एक मैंने आपको बताया, इतना कंसेप्ट अगर आता है और 5.1 का कंसेप्ट आता है तो आपको 5.2 पूरा आ जाएगा। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस, बहुत आसान है। 5.1 में ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट समझना था हमें, वेक्टर के फॉर्म में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वगैरह था वो सब, 5.2 में ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट आ जाएगा। सिर्फ आपको पोजिशन वैक्टर का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जैसे ए बार होता है तो इसको 2i + 3j + 5k इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, और कैसे उसको ऐड वगैरह करना है ये आना चाहिए, तो वो तो आपको आता ही है, नहीं भी आता होगा तो मैं सम बताते बताते सब बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं 5.2 पहला क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, सारे क्वेश्चन मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाला हूँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा, तो फटाफट ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा एडिटिंग में, ठीक है। अब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक लेके बैठो, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन मैं पढ़ा हूँ या आपके कॉलेज के टीचर या क्लासेस के टीचर, कोई भी जब भी मैथ्स का सम करते हो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसका सोल्यूशन देखने के पहले कि दिया क्या है और पूछा क्या है, उसके बाद ही सोल्यूशन देखो, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये ट्रिक होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हाँ चलो देखो सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर अभी ये फर्स्ट का सोल्यूशन दे रहे हैं तो देख लेते हैं, हाँ ये सोल्यूशन है, अरे भाई तूने देखा क्या क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नहीं समझा तो सोल्यूशन कैसे समझेगा, और अगर सोल्यूशन समझ भी आया और बाद में फिर भूल गया क्योंकि क्वेश्चन पता ही नहीं था, वही क्वेश्चन जब आएगा तो कर नहीं पाओगे। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी कोई सोल्यूशन हम सीखना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका जो क्वेश्चन होता है उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, गिवन क्या है, डेटा क्या है, और उसको प्रिंट कर लेना चाहिए, ओके। तो ये मेरी बात हमेशा याद रखना, मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा, आपको अप्लाई करना। तो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजिशन वैक्टर्स आर, मतलब क्या है कि एक लाइन है जो पी और क्यू को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, एंड फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, ओके। अब पी और क्यू के पोजिशन वैक्टर्स हैं, दिस इज पोजिशन वैक्टर ऑफ पी तो पी बार, दिस इज पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू तो क्यू बार, ये दिया हुआ है, ओके, ये दिया था उसको मैंने पी बार और क्यू बार नाम दिया क्योंकि ये भी दिया है पी क्यू पॉइंट। इन द रेशियो 3:2, जब भी ये रेशियो दिया होगा समझ जाना m:n दिया है, रेशियो जो होता है m:n लिखना, ओके। अभी इसमें दो क्वेश्चन है, पहला इंटरनली दूसरा एक्सटर्नली, ओके। सो पहला है फॉर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन,
और दूसरा क्या होगा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन के लिए इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये P है समझो और ये Q है, पी क्यू, और कोई एक पॉइंट है R जो अंदर से डिवाइड कर रहा है, तो R यहाँ पर है। M इज टू N क्या है, थ्री इज टू टू, ओके। ये जो P है इसका पोजिशन वैक्टर P बार, ये R बार और ये Q बार, इस तरह से हमको क्या करना है। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर बार। अब इसके अंदर दो क्वेश्चन है, पहला कर रहे हैं इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, बाय फॉर इंटरनल डिवीजन बाय सेक्शन फार्मूला, या तो इंटरनल डिवीजन फार्मूला लिखो या तो सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या था, आर बार इज इक्वल टू एम। देखो यहाँ पर ये थ्री इज टू टू है, दैट इज वॉट एम इज टू एन, ऐसे लेते थे m इंटू क्यू, ओके। देखो m के साथ पहला नहीं लेते, पहले वाले के साथ दूसरा लेते, यहाँ पहले p बार है बाद में q बार है, यहाँ पहले m और n है, तो इसका पहला दूसरे के साथ जाएगा, m q के साथ जाएगा, प्लस होगा, इंटरनल है तो प्लस होगा, जो ये n है वो p के साथ आएगा, n p बार, और अपॉन क्या होगा, इन दोनों को m और n जो रेशियो था ना उसको ही प्लस करना। जब एक्सटर्नल करना होगा तो यही फॉर्मूला माइनस में आ जाएगा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इसका एक्सटर्नल वाला भी आ गया। चलो R बार निकालना, M M कितना है देखो, 3 Q Q कितना है यहाँ पर, माइनस फाइव आई प्लस टू जे माइनस फाइव के, ओके। प्लस N N क्या है देखो, N इज टू P टू आई माइनस जे प्लस थ्री के अपॉन M प्लस N, एम प्लस एन यानी एम और एन को प्लस करो, थ्री और टू को प्लस किया, थ्री प्लस टू। अब इसको सॉल्व कर दे, चलो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखो आर बार इज इक्वल टू, अब करना क्या होगा, देखो एक ही ट्रिक है, जितने भी आई वाले टर्म्स होंगे वो एक साथ, जे वाले एक साथ और के वाले एक साथ, थ्री का मल्टीप्लाई सब में कर दो, थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन आई, कैप लिखना याद रखो, कैप मत बोलो, थ्री प्लस थ्री इंटू प्लस टू सिक्स जे। बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, थ्री प्लस टू फाइव जे, ये मल्टीप्लाई है थ्री का, तो थ्री इंटू टू करना है, थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन के। अब देखो ये प्लस है तो ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं होगा, टू इंटू टू आई तो फोर आई, टू इंटू माइनस वन जे तो माइनस टू जे, टू थ्री जा सिक्स के अपॉन क्या है देखो, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव है। अब आर बार इज इक्वल टू, ये जो अपॉन फाइव है इसको वन अपॉन फाइव करके साइड में ले लो। अब सॉल्व करो, माइनस फिफ्टीन आई और आई कौन है, फोर आई, माइनस फिफ्टीन आई और फोर आई को प्लस करना, माइनस फिफ्टीन आई और सिक्स जे प्लस नहीं होगा, बिकॉज ये आई है कैप है और ये जे कैप है, वो प्लस नहीं होगा, आई कैप के साथ आई कैप वाले को ही प्लस करना, तो माइनस फिफ्टीन आई प्लस फोर आई, एक प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, फिफ्टीन में से फोर गया इलेवन, सो माइनस इलेवन आई कैप, सिक्स जे माइनस टू जे तो प्लस फोर जे, माइनस फिफ्टीन के प्लस सिक्स के तो माइनस नाइन के, तो ये आ चुका है, ओके। तो ये अभी निकालना क्या था टेक्स्ट बुक में, कि आर बार का पोजीशन वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर आया, एक बार देखते टेक्स्ट बुक में क्या बोला है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस इन द रेशियो। तो पोजीशन वेक्टर बोला है, पॉइंट नहीं बोला है। अगर समझो इसको हमको बोलता पॉइंट भी निकालो तो कैसे करते, अगर बोलता तो हम कैसे करते, इस आर बार को ये अंदर लेके जाओ, माइनस इलेवन अपॉन फाइव आई कैप प्लस फोर अपॉन फाइव जे कैप माइनस नाइन अपॉन फाइव के कैप, ऐसे करते। अभी नहीं करना इस क्वेश्चन में, अगर बोलता ऐसा कि हम लोगों को आर का पॉइंट निकालो, आर का कोऑर्डिनेट्स निकालो, मतलब ये जो पॉइंट है यार, तो ये आ जाता माइनस इलेवन अपॉन फाइव फोर अपॉन फाइव एंड माइनस नाइन अपॉन फाइव, लेकिन हमको तो बोला ही नहीं गया है तो ये करने की जरूरत नहीं है। बट कब करेंगे पता चला ना, जब बोला जाएगा कि फाइंड पॉइंट आर या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, तब ये करोगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, वन अपॉन फाइव को कॉमन रखोगे तो चलेगा, या अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा। अब फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन क्या आएगा देखो, ये सेम होगा पी क्यू, P और Q तो सेम रहेगा, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल p बार, इसका Q बार, और जो पॉइंट अब है ना वो बाहर से डिवाइड कर रहा है, तो सपोज पॉइंट R इज हियर, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r बार। m इज टू n कितना दिया ऑलरेडी, थ्री इज टू टू दिया हुआ है, वही फॉलो करो, ओके।
बाय एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला या बाय एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला या बाय सेक्शन फार्मूला, कुछ भी लिखो इस तरह से, बाय सेक्शन फार्मूला। अभी देखो हमारा पॉइंट आर है, आर डिवाइड करा, ये ऐसा नहीं कि जो बीच में वो लेते, यहाँ बीच में आर था तो आर लिया, यहाँ आर अंदर से डिवाइड कर रहा था, यहाँ आर बाहर से डिवाइड कर रहा है। सो किसके लिए आंसर आएगा? आर बार के लिए। सो आर बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम इंटू क्यू बार माइनस, एक्सटर्नल है इसलिए माइनस, एन इंटू पी बार अपॉन एम माइनस एन, ये जो एम और एन होता है इसको ही माइनस कर दे। सो आर बार इज इक्वल टू एम, एम इज वॉट थ्री, थ्री इंटू क्यू बार। अब यहाँ से देखो वापस, क्यू क्या है? माइनस फाइव आई प्लस टू जे, माइनस फाइव आई प्लस टू जे माइनस फाइव के, यह आया एम क्यू माइनस एन, एन क्या है देखो टू है, पी बार, पी बार है टू आई माइनस जे प्लस थ्री के, टू आई माइनस जे प्लस थ्री के, टू आई माइनस जे प्लस थ्री के अपॉन एम माइनस एन, एम माइनस एन, एम एन, एम एन कितना है देखो यहाँ पर, एम एन थ्री टू, तो थ्री माइनस टू। सो आर बार इज इक्वल टू थ्री माइनस टू वन, वन चलो लिखते हैं उसको भी, थ्री का अंदर मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन आई, थ्री टू जा सिक्स जे, थ्री माइनस फिफ्टीन के, माइनस टू इंटू टू माइनस फोर आई, माइनस टू इंटू माइनस प्लस टू जे, माइनस टू इंटू थ्री तो माइनस सिक्स के कैप, और अपॉन में क्या आया वन। अगले स्टेप में वन लिखना भी छोड़ दो। चलो यहाँ पर देखते हैं आप, आर बार इज इक्वल टू, आर बार इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन आई और साथ में माइनस फोर आई, आई के साथ आई, माइनस माइनस से ऐड करो, माइनस फिफ्टीन और माइनस फोर माइनस नाइनटीन आई कैप, प्लस सिक्स जे प्लस टू जे तो प्लस एट जे कैप, माइनस फिफ्टीन के माइनस सिक्स के तो फिफ्टीन और सिक्स क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन के कैप, अपॉन, अपॉन तो नहीं लिखेंगे ना, वन है, वन नहीं लिखेंगे तो चलेगा। सो दिस इज आर बार, ये आ चुका है, कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो हमें आर बार इस तरह से मिल चुका है। सो दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ आर बार फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर वन हो गया, दो क्वेश्चन थे इसके अंदर, फर्स्ट फॉर इंटरनल डिवीजन एंड दिस वॉज सेकेंड फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, यहाँ तक इंटरनल डिवीजन था और ये एक्सटर्नल डिवीजन। चलो इसको कॉपी कर लो, इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ मिड पॉइंट एम ज्वाइनिंग द पॉइंट एल एंड एन। एल और एन यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, और हम लोगों को ये जो एल एन है, एल एन इसका एक मिड पॉइंट है एम, ये मिड पॉइंट है। सो हमको क्या करने बोला, देखो फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ मिड पॉइंट एम ज्वाइनिंग दिस लाइन एल एन। तो इसका पोजिशन वैक्टर, पोजिशन वैक्टर क्या आएगा? स्मॉल एम बार। इसका पोजिशन वैक्टर स्मॉल एल बार, इसका स्मॉल एन बार। फाइंड द पोजिशन वैक्टर बोला है, तो याद रखना जब भी पोजिशन वैक्टर बोलेगा ना, पोजिशन वैक्टर, तो हमको एम बार निकालना है। अगर बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजिशन वैक्टर एम, यानी इसका अगर कोऑर्डिनेट्स बोलेगा तो हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, नहीं तो सिर्फ पोजिशन वैक्टर निकालेंगे। ओके, अब जैसे कि देखो ये कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट ऑफ एल, अब कैसे करेंगे? देखो जो ये एल है ना, इसका एल बार निकाल लो, तो कैसे आएगा? ये जो एल का पोजिशन वैक्टर आई जे के दे दो, सेवन आई माइनस सिक्स जे प्लस ट्वेल्व के। ये जो एन है ना, इसका एन बार पोजिशन वैक्टर कैसे आएगा? आई जे के देने का, आई जे फोर जे माइनस टू के। ओके, चलो ये हो गया। तो एल और एन दोनों का पोजिशन वैक्टर निकालना। अभी एम मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे सिंस पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एल एन, इस एल एन का मिड पॉइंट है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना। क्या था जो मिड पॉइंट है? एम बार। कैसे आता था? डायरेक्ट एम बार इज इक्वल टू एल और एन, इन दोनों को प्लस करना, एल बार प्लस एन बार डिवाइड बाय टू, है ना, बेसिक में देखा ना, डायरेक्ट टू से डिवाइड करो। सो एम बार इज इक्वल टू एल बार, एल कितना है? सेवन आई माइनस सिक्स जे प्लस ट्वेल्व के प्लस एन, एन कितना है यहाँ से देखो, फाइव आई प्लस फोर जे माइनस टू के कैप, सबका कैप देना, आई जे के जब भी लिखोगे कैप लिखना, अपॉन टू। चलो एम बार, ये अपॉन टू साइड में ले लो, वन अपॉन टू, तो ये सेवन आई, देखो प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, आई के साथ आई करो, सेवन आई प्लस फाइव आई, तो क्या जाएगा? सेवन आई प्लस फाइव आई, सेवन फाइव ट्वेल्व आई, माइनस सिक्स जे प्लस फोर जे तो माइनस टू जे, ट्वेल्व के माइनस टू के तो प्लस टेन के,
तो ये क्या आया, m बार का पोजीशन वेक्टर है। इसको चाहिए तो अंदर दे दो और सिंपल हो जाएगा। ये हाफ सबके पास गया, 1/2 × 12 तो 6i, 1/2 × −2 तो 2 से 2 कैंसिल −1j, 2 से 10 कैंसिल तो 5k। सो जो आपको चाहिए था ना m बार का पोजीशन वेक्टर वो आ गया। यही पूछा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ m बार, समझ में आया। लेकिन अगर पूछा रहेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, m का कोऑर्डिनेट निकालो, तो m का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, i के साथ क्या है 6, j के साथ क्या है −1, k के साथ क्या है 5, तो ये कोऑर्डिनेट m का आया। लेकिन ये पूछा ही नहीं गया, पूछेगा तो निकालने का, सिर्फ पोजीशन वेक्टर बोला तो यहाँ तक करने का, कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोला तो ये कर सकते, कुछ है नहीं, इतना सा करना है। ओके चलो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन हो गया, इसको कॉपी कर लो, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या दिया है, इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन फाइंड ए बी सी, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तीनों भी पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या होता है पता है ना, एक ही लाइन में ये जो तीनों पॉइंट्स है ए बी और सी, तीन पॉइंट। अब ये बी सी, यहाँ बी और यहाँ सी है या यहाँ बी और यहाँ सी है पता नहीं है, मतलब ये जो सी है वो इंटरनल डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नल पता नहीं है, ठीक है। इफ़ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी को सपोज ये बी ले लेते और इसको सी, तो ए बी को सी किस तरह से डिवाइड करा, अगर यहाँ सी लिया तो इंटरनल डिवीजन हो गया, अगर ये बी यहाँ होता ये सी यहाँ होता तो एक्सटर्नल डिवीजन होता, क्योंकि दोनों में प्लस माइनस का फर्क है ना। अब देखो मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए, ओके समझने के लिए बताया इतना। देन फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, तो हम लोग को ये रेशियो जो एम इज टू एन होता है ये फाइंड करना है, ओके ये सी जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करना है। लेकिन अब मुझे कन्फर्म नहीं है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक अज्यूम करूँगा, लेट पॉइंट सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, जैसे एम इज टू एन होता है ना, तो आप के इज टू वन एक रेशियो ले लो, के इज टू वन, जब भी इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्स नहीं हो तो ऐसे ले सकते हैं, के इज टू वन, या तो यहाँ के की जगह लैम्डा ले सकते हैं, लैम्डा इज टू वन चलेगा, कोई भी एक कांस्टेंट ले लो। अब होगा क्या, देखो बाय सेक्शन फार्मूला, ओके बाय इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज़ करो, अपने आप आ जाएगा वैल्यू। बाय सेक्शन फार्मूला क्या आ जाएगा, जो सी है सी बार, ए का क्या है ए बार, एंड बी बी बार, ओके चलो देखो बाय सेक्शन फार्मूला, सी बार का फार्मूला कैसे आएगा, सी बार इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पर ये जो रेशियो है के इज टू वन है, हाँ तो कैसे था, के इंटू बी बार, के इंटू बी बार प्लस, देखो ये एम की जगह के और एन की जगह वन है, एम इज टू एन होता है ना, फिर एन वन है, वन इंटू ए बार, वन इंटू ए बार अपॉन, फिर इन दोनों को प्लस प्लस करते हैं, के प्लस वन, यहाँ प्लस है तो प्लस वन करेंगे। अब वैल्यू रखो सी बार, सी बार को लास्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी और ए की वैल्यू रखते, लेकिन ए और बी तो पता नहीं है, तो हम लोग निकाल लेते ना, ये ए है तो ये ए बार कैसे आया, 3i कैप प्लस 0j हट जाएगा प्लस पी के कैप, बी बार कैसे आएगा −1i यानी −i प्लस क्यू जे प्लस 3k, इस तरह से आया। सी बार यहाँ से निकाल लो −3i प्लस 3j प्लस 0k, तो ये c आ गया, 0k है तो 0 वाले को नहीं लिखने का, ठीक है, ये a b c आ गया हमारे पास। अब उसको यूज़ करो, k इंटू बी बार, बी बार क्या है देखो ये −i प्लस क्यू जे प्लस 3k, ओके प्लस a बार, a बार इज व्हाट 3i प्लस पी के, ये है, और अपॉन क्या है k प्लस 1। अब k और 1 की वैल्यू नहीं पता, वही फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर c बार चाहिए तो लिख सकते हो उसकी वैल्यू क्या थी, c बार की −3i कैप प्लस 3j कैप। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये k अंदर जाएगा, k इंटू −i −ki, k इंटू क्यू जे तो प्लस के क्यू जे, के इंटू 3k और k कैप, देखो ये k कैप अलग है और ये k अलग है, ओके इसलिए यहाँ पर k के बदले ना हम लोग दूसरा कुछ ले लेते, क्योंकि k ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ना, लैम्डा ले लेते, ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमने ये के लिया है वहाँ पर लैम्डा रखते हैं, अब वापस करते हैं, चलो लैम्डा स्टैंडर्ड टर्म है ऐसे के लिए। सो ये हो गया −λi कैप प्लस λQj कैप, λ × 3 3λk कैप प्लस ये 3i और प्लस pk कैप, ओके के लेते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी k है इसलिए k मत ले लो।
अब ये अपॉन में जो लैम्डा वन है यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री आई, देखो ये माइनस थ्री आई प्लस थ्री जे और इंटू लैम्डा प्लस वन, ये जो था ना अपॉन में यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये क्या होगा देखो लैम्डा का मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस थ्री आई इंटू लैम्डा प्लस वन, या तो माइनस थ्री लैम्डा प्लस वन आई कैप, फिर प्लस थ्री लैम्डा प्लस वन जे कैप, ये लैम्डा प्लस वन का दोनों में मल्टीप्लाई किया। यहाँ क्या होगा देखो आई वाले को एक साथ ले लो, ये है आई और आई कौन है देखो ये रहा आई, तो दोनों में क्या है ये थ्री माइनस माइनस लैम्डा प्लस थ्री, माइनस लैम्डा प्लस थ्री आई कैप। अब जे वाले को लो, ये जे और जे कोई है नहीं है, तो ये ऐसे ही रखो लैम्डा क्यू जे कैप प्लस, अब के वाला कौन है इन दोनों में के है देखो के कैप, तो थ्री लैम्डा और प्लस पी, थ्री लैम्डा प्लस पी और के कैप। तो इस तरह से अभी हम लोग कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, यहाँ आई कैप के साथ क्या है देखो ये दोनों को इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के क्या मिलेगा देखो आई कैप के साथ क्या माइनस थ्री इंटू लैम्डा प्लस वन, माइनस थ्री लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू, ये आई के साथ है, यहाँ पर आई के साथ क्या है माइनस लैम्डा प्लस थ्री, माइनस लैम्डा प्लस थ्री, और जे के साथ क्या है देखो थ्री इंटू लैम्डा प्लस वन, थ्री इंटू लैम्डा प्लस वन यहाँ पर जे के साथ है, यहाँ जे के साथ क्या है लैम्डा क्यू, लैम्डा क्यू, और के साथ क्या है देखो यहाँ पर के साथ कुछ भी नहीं है, के है ही नहीं, और यहाँ पर के है थ्री लैम्डा प्लस पी, तो थ्री लैम्डा प्लस पी ये के का कोएफिशिएंट, यहाँ के नहीं है तो के साथ जीरो है, सो दिस इज इक्वल टू जीरो, ये हमने इक्वेट किया। अब सबकी वैल्यू फाइंड करो कैसे होगा देखो, यहाँ से देखो माइनस थ्री लैम्डा, माइनस थ्री लैम्डा, माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, और माइनस लैम्डा प्लस थ्री, माइनस लैम्डा को इस तरफ लाओ, माइनस थ्री लैम्डा, माइनस लैम्डा आया तो प्लस लैम्डा थ्री, माइनस थ्री वहाँ गया तो प्लस थ्री, माइनस थ्री लैम्डा प्लस लैम्डा तो माइनस टू लैम्डा, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू, ये माइनस टू यहाँ आया तो सिक्स अपॉन माइनस टू, सो टू थ्री जा, सो ये क्या है लैम्डा इज इक्वल टू थ्री अपॉन माइनस, देखो एक मिनट है, ये टू थ्री जा सिक्स हो गया माइनस बचा तो माइनस थ्री आया, लैम्डा क्या आया माइनस थ्री। क्वेश्चन में क्या था देखो ध्यान से कि जो ये सी पॉइंट है वो सी जो है ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, तो अभी हमें पहले पता नहीं था इंटरनल है क्या एक्सटर्नल, तो हमने इसके लिए लैम्डा इज टू वन लिया था ठीक है, और हमने इंटरनल समझ के किया, लेकिन लैम्डा की वैल्यू क्या आई माइनस थ्री, अगर ये प्लस थ्री आता मतलब बराबर इंटरनल ही है ये प्लस वाला, ये निगेटिव आ रहा है मतलब क्या हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर पॉइंट सी डिवाइड्स, पॉइंट सी डिवाइड्स सेग ए बी, अब ये माइनस आ रहा है इसलिए एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नली इन द रेशियो, इन द रेशियो क्या रेशियो था हमने क्या लिया था लैम्डा इज टू वन, अब लैम्डा क्या माइनस थ्री, तो अब ये थ्री लिखना है इज टू वन, लैम्डा आप बोलोगे माइनस थ्री आया, मैंने थ्री लिखा क्योंकि ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है एक्सटर्नल डिवीजन डिनोट कर रहा है, माइनस क्या दिखा रहा है एक्सटर्नल, अगर प्लस रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं प्लस, प्लस रहता तो इंटरनल रहता, लेकिन माइनस आया हमने यहाँ पर इंटरनल सेक्शन अज्यूम किया था प्लस वाले फॉर्मूले को, अगर सीधा सीधा प्लस थ्री आता मतलब सही आता, माइनस आ रहा है मतलब कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है, कभी भी ये रेशियो निगेटिव नहीं होता, एम इज टू एन जो होता है ना ये निगेटिव नहीं होता याद रखो, तो थ्री इज टू वन आ चुका है, निगेटिव क्यों आया क्योंकि वो हमने इंटरनल समझ के किया, निगेटिव आया क्योंकि वो एक्सटर्नल था, तो यहाँ से हमको समझ गया एक्सटर्नली। अब इसके बाद ये पहला आ गया रेशियो थ्री इज टू वन फाइंड हो गया, दूसरा क्या था P और Q फाइंड करो, तो उसके लिए वैल्यूज रखो, देखो ये 3 लैम्डा प्लस वन इक्वल टू लैम्डा Q था यहाँ पर वैल्यू रखो, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी माइनस थ्री, रखो यहाँ पर माइनस थ्री प्लस वन लैम्डा माइनस थ्री Q। अब आप बोलोगे सर यहाँ लैम्डा 3 दिखा रहे हो, यहाँ 3 नहीं रखें, हमने ये जो रिलेशन लाया ये रिलेशन हमने इंटरनल करके किया था ना, इसलिए इंटरनल से जो लैम्डा माइनस थ्री आया तो लैम्डा ही रखो, अगर इसको एक्सटर्नल करके किए होते तो फिर जो आता वो रखते, चलो ठीक है थ्री, अब ये थ्री माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री क्यू, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स माइनस थ्री क्यू, माइनस माइनस कैंसिल थ्री इधर आया तो सिक्स अपॉन थ्री टू, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई टू, क्यू टू आ गया। अब पी की वैल्यू फाइंड करते, पी के लिए रेशियो था के वाला मैंने यहाँ मिटा दिया था, देखो थ्री लैम्डा प्लस पी,
थ्री लैम्डा प्लस पी के के साथ, यहाँ के तो है ही नहीं, के साथ कुछ नहीं है, जीरो। सो थ्री लैम्डा की वैल्यू माइनस थ्री प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। सो पी इज इक्वल टू माइनस नाइन उस तरफ गया तो प्लस नाइन। सो पी की वैल्यू नाइन आ गई, क्यू की वैल्यू टू आ गई। पी फाइंड करना था, क्यू फाइंड करना था, एम इज टू एन फाइंड करना था, वो आ चुका है। ओके और यहाँ दिया नहीं था इंटरनल या एक्सटर्नल, इसलिए हमने लैम्डा इज टू वन लिया। ठीक है, मैं के इज टू वन भी ले सकते बट ऑलरेडी यहाँ पर आई जे के में के आता है इसलिए के नहीं लेते, नहीं तो कॉन्स्टेंट लेना चाहिए। ओके, कुछ अलग ही कॉन्स्टेंट लेते हैं हम लोग। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है आपको, लेकिन कन्फ्यूजिंग नहीं है। याद रखो, यहाँ जब भी इंटरनल एक्सटर्नल नहीं दिया होगा तो आप इंटरनल समझ के प्लस वाले से ही करना। जो लैम्डा इसमें होता है वो पॉजिटिव आया मतलब बराबर इंटरनल ही था, अगर निगेटिव आया तो मतलब एक्सटर्नल है, और रेशियो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, याद रखो। ठीक है, तो चलो इसको कॉपी करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फोर। क्या यहाँ पर द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर सिक्स ए बार प्लस टू बी बार, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पोजिशन वैक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, ये दिया है सोल्यूशन में लिख रहा हूँ। क्या दिया हुआ देखो, एक मिनट, आर फोर्थ क्वेश्चन, सिक्स ए बार प्लस टू बी बार एंड ए बार माइनस थ्री बी बार। इस तरह से दो पोजिशन वैक्टर दिए हैं ए और बी पॉइंट के। इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, इफ द सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो थ्री टू टू, यहाँ पर फिर से देखो, जो ये ए बी है उसको सी डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो थ्री टू टू। इंटरनल एक्सटर्नल नहीं दिया है तो इंटरनल समझ के ही करने का, नहीं दिया होगा तो। ओके, थ्री टू टू रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन शो दैट द पोजिशन वैक्टर ऑफ सी इज, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी मतलब सी बार इज थ्री ए बार माइनस बी बार, ये शो करके लाना है हम लोग को, शो करना है। तो देखो, पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर हम क्या लेते हैं, स्मॉल ए बार, पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर स्मॉल बी बार। तो पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर ये दिया हुआ है तो इसको स्मॉल ए बार इक्वल टू लिखेंगे, ऑलरेडी ए बार है, आई जे के फॉर्म में देना था बट लीनियर वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए का पोजिशन वेक्टर ये दिया है, बी का पोजिशन वेक्टर ये दिया हुआ है। ओके, तो मैं स्मॉल ए बार इक्वल टू स्मॉल बी बार नहीं लिखता, डायरेक्ट करूँगा। जो सी का पोजिशन वेक्टर सी बार ले लेते हैं, ये एम इज टू एन थ्री बाई टू दिया हुआ है, थ्री इज टू टू। ओके, सो बाय सेक्शन फार्मूला हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो सी है ना, सी पॉइंट, इसका पोजिशन वेक्टर ये आना चाहिए, करते ना, कोई प्रॉब्लम। बाय सेक्शन फार्मूला क्या आएगा, जो सी डिवाइड कर रहा है उसका पोजिशन वेक्टर कैसे आता है, एम इंटू ये जो बी है, एम इंटू बी बार, इसका पोजिशन वेक्टर, इसका पोजिशन वेक्टर सीधा ये है देखो, ए बार माइनस थ्री बी बार। ओके, प्लस एन इंटू इसका पोजिशन वेक्टर, एन इंटू इसका पोजिशन वेक्टर क्या है, ये सिक्स ए बार प्लस टू बी बार। अब मैंने यहाँ पर ए का पोजिशन वेक्टर ए बार लिखना चाहिए था ना, बट ए का पोजिशन वेक्टर ये दिया हुआ है अलग से, लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ए और ये भी ए प्लस बी है, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। सी कैसे लिया, सी बार इक्वल टू ये जो एम है, एम इंटू इस बी का जो बी बार होता है वो लेते हैं, बट बी बार के बदले इसका पोजिशन वेक्टर दिया है वो ले लो। फिर एन इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ए का पोजिशन वेक्टर ये दिया हुआ है, अपॉन क्या आएगा, एम प्लस एन। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सी बार इज इक्वल टू एम, एम कितना है थ्री, ए बार माइनस थ्री बार, ये ऐसे ही रखो, ए बार माइनस थ्री बार प्लस एन, एन वैल्यू इज व्हाट, एन इज टू, सिक्स ए बार प्लस टू बी बार अपॉन एम प्लस एन, एम प्लस एन मतलब थ्री प्लस टू। सॉल्व करो, सी बार इज इक्वल टू थ्री अंदर गया तो थ्री ए बार माइनस थ्री, थ्री ज़ा नाइन बी बार प्लस टू अंदर गया, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व ए बार, टू टू ज़ा फोर बी बार अपॉन क्या आएगा, थ्री प्लस टू फाइव। सी बार इज इक्वल टू, सॉल्व कर दे, थ्री ए बार प्लस ट्वेल्व ए बार, थ्री और ट्वेल्व फिफ्टीन ए बार, फिफ्टीन ए बार, फिर माइनस नाइन बी प्लस फोर बी, माइनस नाइन बी प्लस फोर बी तो माइनस फाइव बी बार अपॉन क्या है देखो, फाइव। ओके, अब ऊपर जो है यहाँ से फाइव कॉमन ले लो, फाइव कॉमन तो क्या आ गया, थ्री ए बार, फाइव कॉमन लिया तो थ्री ए बार माइनस बी बार और अपॉन क्या है, फाइव, फाइव से फाइव कैंसल, सो सी बार इज इक्वल टू थ्री ए बार माइनस बी बार। क्या लाना था देखो, सी बार का पोजिशन वेक्टर यही लाना था, ये आ चुका है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, बहुत सिंपल था। ठीक है, यहाँ पर ए और बी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर स्मॉल ए बार बी बार मत लो, क्योंकि ऑलरेडी उसका पोजिशन वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में दिया है। जो सेक्शन फार्मूला हम जैसे यूज़ करते हैं वैसे करो, इजीली आ गया देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर हो चुका है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। मतलब क्या दिया है, देखो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, एक फोर साइड वाला क्वाड्रिलेटरल बना दो इस तरह से। ये जो क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम दे दो कुछ भी, चलो यहाँ से देते हैं नाम ए बी सी डी। ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। जो एडजेसेंट साइड है, इन सबके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक और क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। इफ वी ज्वाइन मिड पॉइंट्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल देन वी गेट अनदर क्वाड्रिलेटरल। अब प्रूफ क्या करना है कि समझो ये जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, हमें प्रूफ करना है कि ये जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होती है, या तो हम बोल सकते हैं पैरेलल होती है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर जो बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, वो जनरली कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट दी पोजिशन वैक्टर्स ऑफ जितने भी पॉइंट्स है ए बी सी डी, ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर, जितने भी पॉइंट है उनका पोजीशन वेक्टर ए बार बी बार सी बार डी बार पी बार क्यू बार आर बार एस बार, ये सारे पोजीशन वेक्टर हैं। हमने क्या किया, सबके पोजीशन वेक्टर ले लिए। अब मिड पॉइंट है, देखो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट पॉइंट्स पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आर, मिड पॉइंट्स ऑफ सेग ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, सी डी का मिड पॉइंट आर है और ए डी का मिड पॉइंट एस है। अब क्या करेंगे, देखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ध्यान से देखना क्या आएगा। पी बार क्या आ जाएगा बताओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला से पी बार किसका मिड पॉइंट है, ए बी का ना, तो ए प्लस बी ए बार प्लस बी बार अपॉन टू ये आ जाएगा। चलो क्यू बार बताओ क्या आएगा, क्यू बार आएगा बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार अपॉन टू। आर बताओ क्या आएगा, आर बार आर डी प्लस सी, या तो सी प्लस डी चलेगा, कोई भी आगे पीछे चलता है ऐसे। हाँ लास्ट एस, एस बार क्या आ जाएगा, डी और ए है, तो ए बार प्लस डी बार अपॉन टू। तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से सभी मिड पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया। अब देखो हमको क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इसको अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, आमने सामने की जैसे ये एस आर और पी क्यू, इसको पैरेलल प्रूफ कर दो। पैरेलल कैसे प्रूफ करोगे, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है, कोई दो वेक्टर इक्वल है तो उनका डायरेक्शन सेम होता है, मतलब वो पैरेलल हो गए। तो या तो ये दोनों या तो ये दोनों, किसी भी दो अपोजिट साइड्स को इक्वल करो। तो फाइंड कर दे, चलो कौन सा लोगे, चलो एस आर ले दे एस आर वेक्टर, और दूसरा कौन सा लोगे, एस आर लिया तो पी क्यू लेना पड़ेगा। देखो ये डायरेक्शन लिया ना एस आर, तो पी क्यू, या तो एस पी ले लो, एस पी लोगे तो आर क्यू लेने का, पी एस किया तो क्यू आर लेना पड़ेगा, याद रखो। हाँ एस आर लिया तो पी क्यू ले लो, इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, ये चेक करो। एस आर वेक्टर कैसे निकालोगे, स्मॉल आर माइनस स्मॉल एस बार पोजिशन वेक्टर। आर और एस पता है ना, देखो आर और एस क्या है, देखो सी प्लस डी बाई टू, और एस क्या है ए प्लस डी बाई टू। आर क्या है सी प्लस डी बाई टू, और एस क्या है ए प्लस डी बाई टू। कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, सी प्लस डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस डी बार, और दोनों का टू कॉमन, डी से डी कट गया, क्या आ गया सी बार प्लस, अरे यह है माइनस है, सी बार माइनस ए बार अपॉन टू। सो दिस इज व्हाट एस आर बार, यह समझ में आया एस आर। अब मैंने एस आर लिया ना एस आर, तो क्या लेने बोला पी क्यू, पी क्यू बार, पी क्यू कैसे आएगा स्मॉल क्यू माइनस पी। चलो क्यू क्या था, यहाँ से देखो क्यू ए प्लस बी अपॉन टू, ए प्लस बी अपॉन टू माइनस पी बार, अरे क्यू लिया ना, क्यू क्या था बी प्लस सी था, क्यू क्या था बी प्लस सी था, बी प्लस सी, पी बार, पी बार ये ए प्लस बी अपॉन टू, ए प्लस बी अपॉन टू, क्या आ गया देखो दोनों का बेस टू, बी प्लस सी माइनस ए बार माइनस बी बार,
देखो बी बार माइनस बी बार कैंसिल, क्या आ गया सी बार माइनस ए बार अपॉन टू, और ये आया पी क्यू बार, और इसकी वैल्यू मैच करो देखो क्या आया। देखो सी बार माइनस ए बार अपॉन टू, सी बार माइनस ए बार अपॉन टू, ये बार है ओके, दोनों सेम सेम आया, मतलब एस आर और पी क्यू, एस आर बार इज इक्वल टू पी क्यू बार, दोनों वैक्टर सेम आए, इक्वल आए, एस आर ये जो वैक्टर है और पी क्यू ये दोनों वैक्टर सेम आया। इसका मतलब क्या कि देर फोर एस आर बार इज पैरेलल टू पी क्यू बार, दोनों वैक्टर पैरेलल है, ये दोनों एस आर और पी क्यू, अगर दो वैक्टर सेम है मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों इक्वल वैक्टर है मतलब पैरेलल भी बोल सकते हो ओके। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूफ दैट, जैसे एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू प्रूफ किया, वैसे पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर कर सकते हैं, पी एस पैरेलल टू क्यू आर, पी एस पैरेलल टू क्यू आर कर सकते हैं, तो करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली करके लिख डालो। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम हो गया। और फाइनली देखो क्वेश्चन में नाम नहीं दिया था ए बी सी डी पी क्यू आर एस, हमने खुद से लिया, तो आप यहाँ पर लिखोगे हैंस प्रूव्ड दैट, और जो भी क्वेश्चन था ना वो पूरा क्वेश्चन लिख डालो, क्योंकि क्वेश्चन में नाम नहीं था, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम करना ऐसा नहीं बोला था, ऐसा बोला था कोई एक क्वाड्रिलेटरल है उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा, तो हमने खुद से नाम लिया था और हमने बता दिया हमने जो नाम लिया था वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम आया, तो फाइनली लास्ट आंसर में ये लिखना चाहिए हैंस प्रूफ दैट, जो क्वेश्चन था वो लिखना चाहिए ठीक है। तो ये फाइनल आंसर लिखना, यहाँ पर देखो सिमिलरली में मैंने डबल एल लिख दिया था, सिंगल एल आएगा, करेक्शन कर लेना ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, इसको कॉपी कर लो, और इसके बाद अभी मैं आपको बता दूँ 12 क्वेश्चन है टोटल, 12 क्वेश्चन में से हमने 5 कर लिए, कुछ बेसिक्स भी मैंने बताया स्टार्टिंग में, अभी रह गए और 7 क्वेश्चन, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। वेक्टर चैप्टर अब आपको इजी लगने लगेगा, अभी आपने देखा होगा कि कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ कंसेप्ट अगर पता चल जाए, फॉर्मूले पता चल जाए, ट्रिक पता चल जाए तो बहुत ईजी है ठीक है। तो चलो यहाँ पर 5.2 का आधा जो लेसन है, आधा एक्सरसाइज हो चुका है, जो बाकी के 7 क्वेश्चन इसके मैं नेक्स्ट लेक्चर में देता हूँ, और 5.1 और 5.2 दो जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।